फारिस कादरी के खिलाफ एक और प्रकरण कोतवाली थाने में दर्ज किया गया। उसने संग्राम बार के संचालक पूर्व पार्षद को धमकाया और 1,00,000 रुपए देने की मांग की। बार बंद होने के बावजूद शुरू होने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। पूर्व पार्षद प्रशांत धवड़ का जगनाड़े चौक में संग्राम नाम से बियर बार है। 21 अगस्त को रात करीब 2 बजे हंसापुरी निवासी फारिस निजामुद्दीन कादरी उम्र 28 संग्राम बार के सामने आ धमका। उस समय बार बंद हो चुका था। उसने सुरक्षा गार्ड को धमकाकर उसे प्रशांत धवड़ को फोन लगाने के लिए मजबूर किया। प्रशांत धवड़ को धमकाया कि बार चलाना है तो उसे महीने की 1,00,000 रुपए वसूली और मुफ्त में शराब देनी होगी, वरना पुलिस से शिकायत कर बार बंद करवा देगा। फारिस बार खोलने की जिद पर अड़ा हुआ था। उसका कहना था कि शटर भले ही बाहर से लगा है लेकिन बार अंदर से शुरू है। यह झूठी जानकारी उसने फोन कर पुलिस को भी दी। उसके बाद बार खुलवाया गया। उसने बंद बार की वीडियो रिकॉर्डिंग की और सोशल मीडिया पर बार शुरू होने की झूठी जानकारी दी। ऐसी खबर सामने आ रही है। हमारे कोतवाली पुलिस स्टेशन के एरिया में संग्राम बार नाम का एक बार है। 21 तारीख के रात को 1:30 से 2 बजे के दरमियान फारिस कादरी नाम का एक युवक वहाँ से जा रहा था, तो उसको दारू चाहिए थी, तो वो बार के सामने गया। तब तक बार बंद हो चुका था और उसने बार के सिक्योरिटी गार्ड से दारू की डिमांड की, तो उसने सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि अभी बार बंद हो गया है तो तुमको दारू नहीं मिलेगी। तो उसने बताया कि तुम मुझे नहीं जानते क्या, मैं कौन हूँ, तुम्हारे मालिक को बुलाओ और साथ में उसको दारू लेके भी आने को बोल दो, ऐसा उसने बताया। तो सिक्योरिटी गार्ड ने बार मालिक को बुलाया। बार मालिक को बुलाने के बाद तुमको अगर बार शुरू रखने का है तो मुझे 1,00,000 रुपये दे दो, मैं फारिस कादरी हूँ, मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, तुमने अगर पैसा नहीं दिया तो मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर डालूँगा और तुम्हारा बार हमेशा के लिए बंद कर डालूँगा, ऐसा उसने धमकाया और 1,00,000 रुपये की खंडनी मांग ली थी। उसके बाद बार मालिक ने उसको पैसा देने से मना किया, तो इसका बदला लेने के लिए फारिस कादरी ने पुलिस के पास कंप्लेंट दी कि यहाँ पे बार शुरू है। तो पुलिस आने के बाद उसने अपना फेसबुक लाइव वीडियो शुरू कर दिया और उसमें वो बोलने लगा कि पुलिस के आशीर्वाद की वजह से ये बार अभी रात भर शुरू रहता है, पुलिस घुस लेके उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती, ऐसा उसका बोलना था। पुलिस ने वहाँ पे जाने के बाद उसने फिर से पुलिस को बताया कि बार अंदर से शुरू है, तो पुलिस ने बार मालिक को बता के फारिस कादरी की कंप्लेंट की जांच करने के लिए बार मालिक को बताया कि आप बार ओपन करके दिखाओ। तो बार मालिक ने हमारे रिक्वेस्ट की वजह से बार खोल के दिखाया तो अंदर से बार बंद था, ये उसके वीडियो में भी आया है। तो वहाँ से बाहर आ जाने के बाद इसने वो फेसबुक लाइव चैनल पे अपना वीडियो अपलोड कर दिया था। उसके बाद बार मालिक ने पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट देने के बाद फारिस कादरी के ऊपर खंडनी का गुना दाखिल हुआ है। फारिस कादरी के ऊपर इसके पहले भी सदर पुलिस स्टेशन और शकरदरा पुलिस स्टेशन में खंडनी के और अश्लील शिविकाल के गुने दाखिल है, उसकी भी जांच शुरू है। हमारे पुलिस स्टेशन के केस की भी जाँच अभी शुरू है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अविनाश तोतड़े नागपुर। सचिन लाइफस्टाइल मानसून ऑफर, कम से कम दाम में कपड़े वो भी क्वालिटी के साथ। कपड़ों की खरीदी पर डबल धमाका ऑफर, बाय वन गेट वन फ्री के साथ साथ अब कपड़ों की खरीदी पर 50% की छूट। सचिन लाइफस्टाइल का धूमधड़ा का सेल, जहां मिलेंगे संपूर्ण कपड़े बचपन से लेकर 55 तक। तो देर किस बात की, पहले आइए पहले पाए। सचिन लाइफस्टाइल, रमानगर, शताब्दी चौक, बेलत रोडी रोड, नागपुर।